मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपर सूचना, मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं जिस तरीके से कलकत्ता शहर और मगरबी बंगाल में गर्मी पड़ रही है, वो यूपी और राजस्थान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसी सूरत हाल में हर लोग गर्मी से परेशान है और ऐसा लग रहा है कि दिन में अगर आप घर में बैठते या रास्ते पर निकलते तो ऐसा लग रहा है किसी ने खौले हुए पानी, गर्म पानी में अपने बॉडी को डाल दिया है। ये सूरत हाल समझ रहे हैं कि और स्कूल को गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने समझिए कि तत्कालीन के लिए रोक दिया गया है कि जब तक के फर्दर को नोटिस नहीं आया तो उस वक्त आप अपने स्कूल को बच्चे में नहीं भेज सकते। हम समझ सकते हैं कि गर्मी का क्या मामला है, किस तरीके से नहीं है। इसी तरीके से वार्ड नंबर 134 में और 134 के काउंसिलर जनाब शम्स इकबाल साहब ने स्पेशल अरेंजमेंट किया है। क्या स्पेशल अरेंजमेंट है, किस तरीके का स्पेशल अरेंजमेंट है जो दिगर वार्डो में नहीं हो पाया, इसलिए हो पाया है कि उन्होंने कहा कि जब लोड शेडिंग गर्मी है लोड शेडिंग होगी, इसकी कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से एसी भी चल रहा है और शॉर्ट सर्किट भी होगा, बहुत सारे मामले आते हैं, फ्यूज का उड़ जाना है या किसी किस्म वायर का जो है एक दूसरे वायर से टच हो जाना, इसलिए जब गर्मी पड़ती है तो वायर भी आपस में जो है फ्लैश आउट होता है, तो उसमें लोड शेडिंग होती है। उसकी बहुत सारी वजह, कभी कभी ऐसा है कि ओवरलोड हो गया, ओवरलोड के कारण से भी जो है लोड शेडिंग हो जाती है। इस सूरत को संभालने के लिए अपने वार्ड के किसी भी फर्द को गर्मी से जूझना ना पड़े, गर्मी में परेशान ना होना पड़े। जैसे लोड शेडिंग होगी, आनन फानन एक टीम बैठी हुई यहाँ पर, आप दिखा सकते हैं काम करने के लिए, कैमरामैन ने दिखा, ये टीम है 134 के लिए स्पेशल काम करने के लिए। जैसे खबर मिलेगी फौरन इनको भेज दिया जाएगा। आप ये देख सकते हैं ये सीएससी लिमिटेड के क्वेश्चन की गाड़ी है, यहाँ पर लिखा है वी आर एट इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क शॉर्टली फॉर द इनकन्वीनियंस। अगर थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है शॉर्टली तो हमारी पूरी टीम रेडी है। आप देख सकते हैं ये सीढ़ी है, ये लैडर है और इसके अंदर में बहुत सारे सामान वगैरह रखे हुए हैं। अरेंजमेंट है कि खुदाई करना है, कुछ करना है, चेंज करना है, किस तरीके से है। ये सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल प्रोग्राम है वार्ड नंबर 134 के लिए और 34 के आवाम के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि लोड शेडिंग के लिए अगर होगा, अगर एक खबर दे देते हैं, एक फ़ोन कर देते हैं कि भाई लोड शेडिंग हो गया, ये टीम जो रेडी बैठी हुई है, ये समझिए शादी बारे में टीम है। यह हॉल को दिखाया जाए, 134 में ये शादी बारी के हॉल है, इसी में रहने खाने का, खाने पीने का सब चीज़ का इंतजाम है ना, सारी चीज़ का इंतजाम है यहाँ पर। स्पेशल इन्होंने अरेंजमेंट लिया है तो वाकई में गार्डन रिच और मटिया ब्रुज के हल्कों में जो खासकर 134 नंबर वार्ड में रहते हैं, बड़ी खुशखबरी की बात है। शम्स इकबाल साहब ने बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम किया है कि अगर किसी को एक वक्त का खाना नहीं भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को समझिए कि और कुछ नहीं दीजिए कोई प्रॉब्लम, मगर गर्मी से बचा लीजिए, लोड शेडिंग से बचा लीजिए, ये सबसे बड़ी वजूहत है। चलिए यहाँ पर हम मिलते हैं, क्या निर्देश मिला है, क्या आपको काम दिया गया नहीं, जो लाइन बंद हुआ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছে কল চলে আসে, কল চলে এলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই লাইনটাকে মানে চুরান চালু করার জন্য চেষ্টা করে থাকি। क्या मिला, सिर्फ 134 का करना या पूरा गार्डन एज मटिया ब्रिज का करना? सिर्फ 134 का करना। ठीक, अब देख सकते हैं, देखिए मैं अपनी बात नहीं बोल रहा, ये सीएससी के स्टाफ है, इन्होंने कहा कि मुझे 134 के लिए आदेश मिला, हुक्म मिला और इसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ जी। क्या क्या काम करेंगे आप बताइए? मेरा जो लोड शेडिंग हो जाए, जो फ्यूज उड़ जाएगा हाँ, उसमें वो चेंज कर देंगे हम हाँ। अगर बार बार टूट जाता है हाँ, वो भी कर देता है हम जी जी। और बारी का दौर फ्यूज उड़ गया, जो मीटर मीटर बॉक्स के जो डीएफसी कार्ड होता है जी जी, जो होता है वो ठीक कर देता है। इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप साथ साथ चले जाइए, अगर थोड़ा सा अगर सुधार नहीं कर पाते, बड़ा कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट हो गया तो आपकी टीम भी रेडी पीछे से बैठी, पीछे से टीम रेडी, जब तक आप काम को आगे बढ़ाएगा वो टीम आपके आ जाएगी। क्या नाम हो गया आपका? सोमनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपका भी सरपा चैनल में इस्तकबाल है, स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं, किस लिए आपको लाया गया यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग जोर से बोलिए, थोड़ा सा पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। यहाँ पर हम लोग को लाया गया है कि मैंने जो मटिया ब्रिज में जो हाई कैपेसिटी का हिसाब से जो फ्यूज कट जा रहा है, हाई लोड पड़ जा रहा है, उससे भी हम लोग को अरेंज किया 134 नंबर वार्ड के लिए। चलिए हमारे सामने में और भी कुछ लोग हैं, क्या काम जानते हैं आप? थोड़ा सा मामला दूसरा की तरफ चला जाएगा, बात समझिए। क्या है? स्वागत मंडल, ये आपका ग्रुप है, ये काम करने वाले ग्रुप है। चलिए ठीक है, और भी आपका क्या नाम है, आइए सामने सामने में आइए। হ্যাঁ, কি করতে জানেন আপনি? ফল্ট হলে যেতে হবে আমাদের, খবর আসবে তাতে। হ্যাঁ,
ऐसा नहीं कि आप घर में एसी में बैठे हुए हैं और बैठ करके आप आराम कर रहे हैं, फोन आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं है ना? अब मीडिया के सामने बोल रहे हैं जी, तो हम लोग खबर मिलेगी आप नहीं पहुंचे तो हम लोग डबल आ जाएंगे। चलिए ठीक है, क्या नाम हो गया आपका? सजल लश्कर। आप देख सकते हैं कि हमने सारी टीम को दिखाया, ये 134 के लिए शम्स इकबाल साहब ने किससे परमिशन लिया नहीं लिया मैं इसकी तो तस्दीक नहीं करता, मगर अपने वार्ड के रहने वालों के लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत नेक काम किया है। गर्मी से बचाना बहुत बड़ी बात है, लोड शेडिंग हो जाए फौरन अगर उसको ठीक करने वाला आ जाए और उसको फौरन कर दिया जाए बहुत बड़ी बात है। चलिए हमारे सामने में परवेश साहब है, क्या कहते हैं? ये बहुत खुशी का मौका है और लोड शेडिंग अगर हो जाती है उसको रोकना है और साथ साथ उसका जो है समझिए संविधान कर देना, उसका हल कर देना, बहुत अच्छा काम है। बोलिए क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले आपको बात बताते चले कि हमारे वार्ड के जो काउंसिलर शम्स इकबाल साहब हैं जी, ये आप एक तरह से समझ लीजिए 24/7 हमेशा जागते रहने वाले काउंसिलर हैं, जो हर वक्त इस फिक्र में रहते हैं कि किसी भी तरह की भी कोई भी परेशानी वार्ड के लोगों को नहीं। आप इससे पहले पूरे कलकत्ते में देखते ही आ रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है कहीं पर रास्ता जाम हो रहा है, कहीं चक्का जाम हो रहा है, कहीं थाना घिराव हो रहा है, कहीं काउंसलर साहब का घर घिराव हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को शम्स इकबाल साहब ने लोगों के इस मामलात से पहले उन्होंने अपनी सोच में ये कर लिया कि उनके वार्ड में इस तरह से जो लोगों को तकलीफ हो ही नहीं, जिसके लिए उन्होंने पहले से इंतजाम करके रखा। एक सवाल मैं लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि लोड शेडिंग ये लोग जो फोन करेंगे, क्या आपके आदमी को फोन करेंगे या सीएससी में करेंगे? हम इसी पर बोलना है कि जब ये शम्स इकबाल साहब ने ये सीएससी की टीम यहाँ ऐसे ही नहीं बैठी, बिल्कुल ये शम्स इकबाल साहब के कोशिशों का एक समरा है। इन्होंने सबसे पहले हमारे मेयर साहब जनाब फिराद अकीम साहब से बात की कि वार्ड नंबर 134 के लिए सीएससी के तरफ से एक स्पेशल टीम होना चाहिए, जो टेक्निकल टीम होना चाहिए, जो वार्ड में जब लोड शेडिंग हो तो साथ साथ लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए, फिर से दोबारा रोशनी लाने के लिए वो साथ साथ वो काम कर सके। तो जनाब फिराज हकीम साहब के कोऑपरेशन से सीएससी के इलेक्ट्रिक सप्लाई के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर साहब से बात किया गया और उसके बाद यहाँ पर जो टीम आई है ये वार्ड नंबर 134 के लिए, ये हमारा जो ये कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पर वो लोग 24/7 24 घंटा वो रहेंगे, राना रहेंगे, यहाँ उनके खाने का भी इंतजाम शम्स इकबाल साहब की तरफ से कर दिया गया। उसके बाद हम शम्स इकबाल साहब ने जिस तरह से और भी बहुत सारी टीम बनाई है, उनका एक वार्ड में एक घर डोर टू डोर का टीम है, एक स्वस्थ साथी के लिए उन्होंने एक हेल्प डेस्क बना करके रखा है, उन्होंने एडुकेशन के मामले में बुक्स और एडमिशन के मामले में एक अलग टीम बना के रखा है। इसी तरह से उन्होंने ये एक तरह से प्रॉपर वे में जिस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी जो लोड शेडिंग होगी उसके ग्रेवियंस को एड्रेस करने के लिए एक अलग टीम बनाया है, वहाँ पर हमारे एक वार्ड पेज इसके लिए तैयार किया गया हुआ है और हमारे इस आपके प्लेटफॉर्म के जरिए हम पूरे वार्ड के लोगों को भी ये मैसेज देना चाहेंगे। सरप्रस पूरा मटिया बुरुज पूरा गार्डन है, बहुत ईमानदारी के साथ देखता है और इस न्यूज को लोग जो है बहुत ही समझे, हमारे फॉलोवर्स हमारे व्यूअर जो है बहुत समझते हैं कि अगर सरप्रस किसी न्यूज को दिखा रहा है तो वाकई में उसमें जो है सच्चाई होती है, हकायक होते हैं, उसी न्यूज को हम लोग दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़े हुए हैं तो आप देखिए कि आपको अगर 134 के रहने वाले हैं, 134 के वोटर्स हैं, तो आपको अगर लोड शेडिंग का वगैरह का मामला कहीं भी आता तो डायरेक्ट जो है शम्स इकबाल साहब के लोगों से आप कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी वर्ड को फोन कीजिए तो फौरन आप पहुंच जाएगा, बाकी चीज़ आपको। तो शम्स इकबाल साहब ने जो टीम तैयार किया है वो टीम का एक पेज हमारे फेसबुक पर भी एक पेज है उसका और हमारा वार्ड पेज भी है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जी। पूरे इलाके में जितने लोग भी 134 के जो लोग हैं, हमारे जो लोग वार्ड में काम कर रहे हैं या जो आम आदमी हैं, वो डायरेक्ट B22 में आके रब्ता काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट शम्स इकबाल साहब के टीम को फोन कर सकते हैं और डायरेक्ट फोन शम्स इकबाल साहब हमको भी कर सकते हैं और डायरेक्ट शम्स इकबाल साहब को भी कॉल कर सकते हैं। शम्स इकबाल साहब एक नॉन डिपेंडेंट काउंसिलर, वो हर चीज़ को अपनी नज़रों से अपनी निगरानी में देखते हैं, एक टीम उनके लिए काम जरूर करती है लेकिन वो खुद हर वक्त चौकन्ने होकर के एक एक चीज़ को देखते हैं। तो जब टीम यहाँ फ़ोन करेगी, जब जो भी वार्ड के लोग जब टीम को फ़ोन करेंगे या शम्स इकबाल साहब को फ़ोन करेंगे, वो साथ साथ वो लोग सीएससी को टीम लेकर करके उनके लड़के उनके टीम जो बैठी हुई जो है एक टीम है वो शम्स इकबाल की पर्सनल टीम और एक टीम है जो सीएससी की टीम, तो शम्स इकबाल साहब की जो पर्सनल टीम है वो सीएससी की टीम को कोऑर्डिनेट कर करके उस जगह पर साथ साथ पहुँचेगी और विद इन कुछ मिनटों में या आधे घंटे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करने किया जाएगा। यहाँ ये इसलिए किया जा रहा है कि अभी बहुत गर्मी का वक्त, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ट्रिपिंग है, बहुत सारे मामलात हैं, एसी चल रहे हैं, लोड्स बढ़ रहे हैं, कभी भी फ्यूज उड़ सकता है, कभी भी फ्यूज ट्रिप कर सकता है, तो उसको एकदम साथ साथ रिजॉल्व करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए कि
गर्मी का जो हालत है कि स्कूल की छुट्टियां तक कर दी गई हैं, लोग सड़कों पर निकल नहीं पा रहे हैं सही से, इसको मद्देनजर रखते हुए शमसी बाद साहब ने ये किया है और इसके लिए हम ऐलान के साथ साथ शमस इकबाल साहब का पूरे वार्ड की तरफ से उनके इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए परवेज साहब का शुक्रिया, हमारे सामने फिरोज साहब भी, हम उनसे भी बातें कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस तरह का सीएससी का जो समझिए कि टेक्नीशियन वगैरह है, इनका स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है इस शादी बारी हॉल में 24 आवर्स के लिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त पूरे मगरबी बंगाल समेत कलकत्ता शहर को अगर सामना है तो सख्त गर्मी का सामना है। और जब गर्मी की बात करते हैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा कोई अहम जरूरी चीज है तो है बिजली, इलेक्ट्रिक सप्लाई। एकदम सही। और जब बिजली की जो सप्लाई को लेकर अगर हम देखते हैं सोचते हैं तो तमाम शहर में आपको अनगिनत वाकयात सुनने को मिलते हैं कि वहाँ बिजली चली गई और बिजली चले जाने के बाद कई कई घंटों तक सप्लाई जो है वो रिस्टोर नहीं हो रही है, उसकी वजह से लोग पथ अवरोध कर रहे हैं और तरह तरह के मतलब जो है वो नज़र आ रहे हैं कि भाई हंगामा हो रहा है और बिजली सप्लाई वालों को ढूंढते फिर रहे हैं, अपने इलाके के जिम्मेदारान को ढूंढते फिर रहे हैं। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई मामला अब तक नहीं हुए और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें हमारे जो काउंसलर हैं शम्स इकबाल अनिल साहब वार्ड नंबर 134 के, उनको और हमारे जो वजीर हैं जनाब फराज हकीम साहब, या वजीर फराज हकीम साहब जो शहर कलकत्ता के मेयर और हमारे हलके के एमएलए हैं, ये दो लोग हमें वरदान की तरह मिले हैं। आप ये समझ लीजिए तोहफा और नेमत समझ सकते हैं हमारे यहाँ के रिहायशियों के लिए कि इन दोनों ने वो मनसूबा बंदी पहले की जो शहर में अब तक नहीं देखी और उन्होंने उसके पहले ही इंतजाम कर रखे हैं कि आपके इलाके में माने हमारे इलाके में कहीं भी अगर बिजली चली जाती है, मिसाल के तौर पे अगर लोड शेडिंग हो गई, केबल फॉल्ट हो गया या कोई मामला अगर सामने आता है तो ऐसी सूरत में अगर हम सीएससी वालों को फोन करते हैं, डॉकेट करते हैं तो पता चला अगर वो कहीं टीम काम कर रही है तो वहाँ का काम ख़त्म करेगी और उसके बाद यहाँ आएगी। लेकिन इन्होंने 24x7 एक टीम को यहाँ मौजूद रखा, यहाँ सीएससी के कारिंदे मौजूद हैं, ये गाड़ी आप देख रहे हैं, बिल्कुल दिखा दिया सरपस के, और उसके अलावा यहाँ शम्स इकबाल साहब की एक पर्सनल टीम है जो जाकर उसको रिस्टोर कर, बिल्कुल है ना। तो ये मामला तो है ही, इसके साथ साथ हम आपको ये बताते चले कि ये पहली बार नहीं है, इससे पिछला जो रमजान गुजरा हम लोगों के उसमें भी गर्मी का मौका था, उस मौके पर उन्होंने दो दो जनरेटर रखे थे कि अगर कहीं बिजली चली गई है टीम तो थी वो टीम जाकर रिस्टोर करेगी, लेकिन तब तक उनके लिए वो जनरेटर भी मुहैया किए गए थे जिसकी वजह से पूरे रमजान अल मुबारक में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। तो इन तमाम बातों बहुत जरूरी होता है, इन तमाम बातों के लिए हम जिम्मेदार समझते हैं और बहुत बेहतरीन मनसूबा बंदी के लिए जिम्मेदार नहीं बोल सकते हैं, हम इन तमाम बातों के लिए जिम्मेदार समझते हैं उनको, उन्होंने उन तमाम चीजों का अरेंजमेंट किया, अपनी जिम्मेदारी को समझा और वो चीजें मुहैया कर दी कि भाई लीजिए आपका मुहैया है, आपको वो जिम्मेदारी का एहसास इसको बोलते हैं कि 24 घंटे जागते रहना जी। अब आप इसके साथ साथ ये भी देखते चले कि जब हमारे यहाँ जिस तरह से तमाम काम मनसूबा बंदी से होते हैं, ये मनसूबा बंदी भी बहुत अच्छे तरीके से हुई है और पूरे वार्ड के पूरे वार्ड में हर एक जगह पे हमारी जो टीम है वो पहुँचती है, उसको रिस्टोर करती है और जब किसी इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम अपने लोगों तक ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपको अगर बिजली चली जाती है किसी इलाके में, किसी गली में, किसी बस्ती में, किसी मोहल्ले में, तो आप हमारे B22 दफ्तर से आकर रुजू करें, रब्ता करें, वहाँ से लोग जाएंगे। यहाँ पे जो ये कम्युनिटी हॉल है हमारा 61 नंबर पर, जहाँ ये टीम मौजूद है, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बोलें, हमारे फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन करें, हमारे जो लोग हैं स्पेशल टीम जो है उनकी उस टीम से रब्ता करें और इंशाल्लाह रहमान। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फिरोज साहब, बंद जुमले में और बहुत कम जुमले में मैं कहना चाहता हूं कि एक स्पेशल टीम जो है पहली बार कलकत्ता शहर में वार्ड नंबर 134 में अरेंजमेंट कर दिया गया, अगर लोड शेडिंग होती है तो हमसे रब्ता कीजिए, टीम रेडीमेड बैठी हुई है, ऐसा नहीं फोन कर रहे हैं कोई रिस्पांस नहीं कर रहा, कहाँ है नहीं है किस तरह कब आएंगे नहीं, भैया आइए ना लोड शेडिंग हो गया, इतना नंबर एड्रेस है, हाँ कंज्यूमर नंबर बताइए तो कितना नंबर है, कितना बिल नंबर देखिए, तो मतलब समझ सकते हैं ये सब सारे मामला कलकत्ता शहर में आते हैं, कोई कंज्यूमर नंबर नहीं बताना है, सिर्फ एड्रेस बताइए, इन लोगों से रब्ता कीजिए, डायरेक्ट आ जाइए, ये वाकई बहुत अच्छा काम है। हम तो एक ही चीज़ समझिए कि एक मशवरे के तौर पर, अगर हमारे चैनल को दूसरे काउंसलर भी देख रहे हैं और देख ही रहे
तो उनको भी चाहिए कि सीएससी का स्पेशल बात करके वो अपने वार्ड में भी इस किस्म का अरेंजमेंट करवा सकते हैं। इन्होंने सबसे इकबाल ने ये पहल का काम किया, वाकई में अच्छा काम है। और क्यों ना, इसलिए कि ये कलकत्ता पोर्ट में आता है, कलकत्ता पोर्ट मेयर फरहाद हकीम साहब का असेंबली हल्का है और खास से उनके ऊपर तवज्जो भी रहती है कि हमारे वोटर्स वगैरह जो है खास तवज्जो दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान के साथ, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now